एंड सही। तो पिट्स बर्गर का आपके सिर्फ एक ही ब्रांच है कोयटा में जो दो ही रोड पर है सर? हमारे दो ही रोड पे एक ही ब्रांच है, यही ब्रांच है। सही। तो रेगुलर कस्टमर आते हैं सर वीकेंड पे, फैमिली वगैरह सारे? बहुत आते हैं माशाल्लाह, अच्छा हलचल होती है सर जब वीकेंड होते हैं, और वैसे भी हमारे रेगुलर कस्टमर बहुत। तो कोयटा शहर काफ़ी बड़ा हो गया, अभी आबादी भी बढ़ गई, तो आप सोचते नहीं कई मिसाल जिनाड़ की तरह या कोयटा के बाकी शहरों में भी आप कुछ ब्रांचेस होती होंगे? इरादा कुछ हमारा बन रहा है, तो इंशाल्लाह देखें, होप सो आगे हम खोल लेंगे। सलाम सर, वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? जिया रहमान है सर। जी जिया रहमान भाई, आप या तो बर्गर शॉप से कहाँ आते सर? कभी कभार रह जाते हैं। अच्छा, तो कौन सा बर्गर कहा है आपसे? स्पेशल बर्गर है। स्पेशल बर्गर है सर? अच्छा, प्रिंस बर्गर का स्पेशल बर्गर है। तो कोयटा में प्रिंस बर्गर के अलावा सर और मशहूर बर्गर ये सबसे ज़्यादा फेमस बर्गर यही है? बर्गर वैसे तो काफ़ी सही, लेकिन प्रिंस की तरह मेरे ख्याल में कोयटा में कोई और भी हो। तो आपका फेवरेट सर कौन सा सर? जी स्पेशल बर्गर है सर, सादा बर्गर खाते हैं सर, कौन सा खाते हैं? स्पेशल चिकन बर्गर खाते हैं सर। वैसे मार्शल आपके साइज से लगता है कि बर्गर काफ़ी शौकीन है सर? बस कभी कभार आ जाते हैं चिकन लगा। अच्छा, तो आपको क्या रिकमेंड करेंगे जो बाहर सूबों से, पेशावर से या कराची वगैरह से लोग आते हैं, आप रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे लोग बर्गर खाने हैं? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अच्छा, जो हमारे दोस्त हैं जो कहीं और रहते हैं, तो हम कोई उनको कहेंगे कि कोयटा है, कोयटा देखे, सही हमारा कल्चर देखे, स्पेशली यहाँ का खाना आप टेस्ट करें। सही, वैसे तो लाहौर और कराची का बड़ा मशहूर है, लेकिन कोयटा आई थिंक सबसे डिफरेंट है। तो बहुत शुक्रिया सर जी अरमान भाई, आप बर्गर के और सरुप आप ही हैं ऐसे आप ही हमारे साथ नहीं, बहुत शुक्रिया। बस हम भी अभी थोड़ी देर में खाएंगे, इंशाल्लाह आपके साथ ही खाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। यार ये बहुत मशहूर जगह है बर्गर। अच्छा, टोगी रोड ये ब्रांच है। सही, आप कोयटा के रहने वाले? जी हाँ, मैं कोयटा से। तो कोयटा में आप प्रिंस बर्गर को क्या कितनी रेटिंग्स देंगे, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 8 देंगे। तो बर्गर का, प्रिंस बर्गर का जब भी कोयटा हो। चलो, बर्गर तो हम लोगों ने आपको खिला ही दिया, अब हम आपको कोयटा की एक दूसरी बेस्ट स्पेशल जगह का विज़िट करवाते हैं। जी हाँ, ये कोयटा की बेस्ट लोकेशन आइसक्रीम, कोयटा की बेस्ट हैंडमेड आइसक्रीम। हक आइसक्रीम पिछले काफ़ी सालों से कोयटा की लोगों को एक ज़बरदस्त और हाई क्वालिटी की आइसक्रीम प्रोवाइड कर रही हैं। आप जब भी कोयटा विज़िट करें तो हक आइसक्रीम ज़रूरी विज़िट करें, किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे फीमेल हो, चाहे जो भी हो। अगर आप कोयटा विज़िट करें और आप हक आइसक्रीम का विज़िट ना करें, तो इसका मतलब है आपने कोयटा कभी विज़िट ही नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन भाई, हसनैन भाई आप ये हक आइसक्रीम के मालिक हैं सर? मालिक तो अलग है। अच्छा, चौकीदार से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। सर कब से चला रहे सर आप ये? हक आइसक्रीम को 25 साल हो गए। 25 साल हो गए माशाल्लाह। तो आप लोग शुरू से सर ये तोगी रोड भी है सर? जी सर, सर ये सड़े पर बैठना और आइसक्रीम, बेस्ट क्वालिटी आइसक्रीम देना पूरी सिटी में, इसका क्या राज है सर? सर ये इधर का ट्रेंड है सर। तो आप ये आइसक्रीम किस तरह बनाते हो सर, और इसकी इतनी क्वालिटी की होती है सर, ज़बरदस्त क्वालिटी सर? इसमें ये जो हमारी आइसक्रीम है टोटल डेयरी प्रोडक्ट है, आर्टिफिशियल चीज़ कोई भी नहीं है इसमें। थोड़ा ज़ोर से इसमें टोटल ये
जो हमारी जो आइसक्रीम है टोटल डेयरी प्रोडक्ट है, इसमें आर्टिफिशियल चीज़ कोई भी नहीं है। टॉप की हम लोग क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं डेयरी की, और फ्रेश दूध इस्तेमाल हो रहा है और फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल हो रहे हैं बस, और ज़्यादा इससे कुछ भी नहीं। तो ये पूरे साल सर आपका आइसक्रीम सर कॉलर रहता है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, सारा साल चलता है सर। पूरे क्वेटा शहर से लोग आते हैं सर आपका आइसक्रीम खाने के लिए? पूरे क्वेटा शहर से आते हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह नवाब सरदार साहब, बड़े बड़े लोगों में इंट्रोड्यूस हुई भी, काफ़ी लोग यहाँ पे बड़े बड़े लोग। तो क्वेटा में आपकी कितनी ब्रांचेज हैं सर? सिर्फ ये कोकी रोड भी है सर, इसके अलावा भी कहीं? इसके अलावा छोटी ब्रांचेज हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस लोगों का इस जगह पर है। वैसे क्वेटा शहर तो काफ़ी बड़ा हो गया सर, आपने सोचा नहीं इसको एक्सपेंड करें सर? सोच रहा हूँ क्वेटा शहर तो चलो अभी हमारे कंट्रोल में है, अब मैं इसको एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ कराची लाहौर ये सब लेकर जाना चाह रहा हूँ। सही। तो वैसे आप जो बाकी शहरों से हमारे जो टूरिस्ट बाकी दोस्त बाकी भाई वगैरह चाहे पंजाब से हो सिंध से हो या खैबर पख्तूनख्वा से लोग आना चाहे, तो आप क्या रिकमेंड करोगे सर कि यहाँ पे विजिट करें सर आपके आइसक्रीम? पहले तो क्वेटा विजिट करें, क्वेटा बहुत अच्छी जगह है, यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग मेहमान नवाज लोग हैं, और उसके बाद जो क्वेटा है इंशाल्लाह आइसक्रीम तो हमारी ज़रूर ट्राई करें। और वैसे भी जो कुछ दोस्त हमारे हैं जो कराची लाहौर वगैरह में हैं वो वहाँ से बकायदा शर्त लगा कर आते हैं यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए, और जो उनसे वो काफ़ी मुतमईन होकर जाते हैं। वैसे गर्मियों में कौन सा बेस्ट फ्लेवर चल रहा है सर? गर्मियों के हिसाब से आजकल मैंगो फ्रेश है, मैंगो ज़्यादा चल रहे हैं। जो सबसे पॉपुलर फ्लेवर हमारा है वो काजू है, वो अभी काजू बहुत कम जगह पे मिलेगा पाकिस्तान में, काजू आइसक्रीम बहुत कम मिलता है। तो सबसे पॉपुलर फ्लेवर हमारा काजू है, और आजकल जो रनिंग फ्लेवर है वो मैंगो मैंगो सर जी। तो चलो आसिम भाई बहुत शुक्रिया सर, आप लोग और भी कामयाब करें सर, आप इसी तरह कोयटा वालों को आइसक्रीम खिलाते रहें। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत। सर क्या नाम है आपका? असीर भाई क्वेटा से हैं। असीर भाई आंख आइसक्रीम खाने आते हैं सर आप? सर तकरीबन रोज रोज सर, इसका टेस्ट मुंह से जाता ही नहीं। अच्छा, वैसे क्या स्पेशलिटी है, क्या सर ऐसा स्पेशल है कि लोग इतनी खाने आते हैं सर? स्पेशल वैसे तो बहुत है क्वेटा में आइसक्रीम, मतलब इस तरह स्टॉल्स हैं, लेकिन हक आइसक्रीम की बात ये है कि इनकी चीज प्योर है। सही, बिल्कुल प्योर। ठीक है, आप मतलब जुबान पे ऐसा टेस्ट है कि आप जब अकेले में बैठे होंगे ना तो इनको इनका वो टेस्ट नहीं है जुबान पे, वो याद आ रहा होता है, वो खींच के यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, जबरदस्त। और तकरीबन रोज आते हैं। तो आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा आइसक्रीम? मेरा काजू पिस्ता, मतलब सारे काजू पिस्ता मैंगो जो खा लो वो। नहीं बाकी पाकिस्तान से अगर लोग यहाँ पर आना चाहे तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि लाजमी एक चक्कर लगाए सर? आप क्या कहते हैं कि क्वेटा में सर अगर कोई आना चाहे? बहरहाल क्वेटा बैकवर्ड समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो नाइट लाइफ है ना वो बहुत ज़बरदस्त, मतलब यहाँ के लोग इतना एंजॉय करते हैं, रात को जब निकलते हैं अपने घरों से बाहर इस तरह आइसक्रीम पार्लर पे जाके या फिर खाने खा के, तो बहुत बहुत मज़ा आता है लोग। अच्छा, वो मिलजुल के बांट के बैठते हैं, कोई फजूल वो जो यूमर्स के कहते हैं पहले में क्वेटा के, सही क्वेटा के वाले से, वो कुछ भी ऐसा नहीं है। आप क्वेटा आए, मैं कहता हूँ लोग कहीं से भी आएँ, चाहे बाहर से इंग्लैंड से आएँ, जहाँ से भी आएँ, तो किसी भी कोने से आएँ, माशाल्लाह उनको इधर जब यहाँ की नाइट लाइफ गुजारेंगे ना उनको मज़ा नहीं आया फिर बोलना। सही सर, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, थैंक यू सो मच, टाइम करेंगे, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।